स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत 5 लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि झारखंड बजट सत्र में बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिलने से नाराज बीजेपी लगातार सदन में हंगामा कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ और अब प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। हम रुक करेंगे, राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से सदन में भी बजट सत्र की शुरुआत में बहुत हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही जो है बार बार स्थगित करनी पड़ी, इसकी वजह से अब जो प्रतिनिधिमंडल है उसने राज्यपाल से मुलाकात की है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें एक ही मांग है कि अभी तक सदन की ओर से यानी स्पीकर की ओर से उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बाबूलाल मरांडी को नहीं दिया जाना, कहीं न कहीं ये सरकार के इशारे पर राजनीति हो रही है। जबकि ये साफ है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी में जेबीएम के विलय की प्रक्रिया को मान्यता दे दी है, बावजूद इसके इतना विलंब हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं कोई सरकार की नीयत में खोट है, यही आरोप बीजेपी के लोगों का है और इसी से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है। चूँकि राज्यपाल किसी भी राज्य में सरकार की प्रमुख होती हैं, उनके नाम से सरकार चलती है, इसलिए यह मांग की गई है, यह गुहार लगाई गई है कि राज्यपाल इस मैटर को देखें और अपने स्तर से पहल करें। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि सारी चीज़ें विलय की जितनी प्रक्रिया हो सकती है, जो एक 10वीं अनुसूची के अनुरूप जो विलय की प्रक्रिया होती है, वो तमाम चीज़ें अपनाई गई, सारी प्रक्रिया अपनाई गई और इसी आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इस विलय को भी मान्यता दे दी और इसका भी एक समय हो गया, 6 मार्च को यह मान्यता भारत निर्वाचन आयोग ने दे दिया था। बावजूद इसके अब तक नेता प्रतिपक्ष को पद का रिकग्निशन उन्हें नहीं मिल पाया है, जबकि बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में वे 24 फरवरी को ही चुन लिए गए थे और तत्काल इसकी सूचना स्पीकर को भी दी गई थी। लेकिन चूंकि सरकार अलग है और महागठबंधन की सरकार है, क्या कारण है ये वो बताने में असमर्थ थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या राज्यसभा का चुनाव एक कारण हो सकता है या एक वजह हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इसका बेहतर जवाब तो स्पीकर ही दे सकते हैं, उन्हें कोई समझ में नहीं आता, कोई विलंब का आधार नहीं बनता, जबकि सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, बहुत ही पारदर्शी है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि यह सरकार यानी सत्तारूढ़ दल के इशारे पे तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसमें विलंब किया जाना सरकार की मंशा को उजागर करता है। शारिफ जी, जाहिर तौर पर सदन में हंगामा हुआ है, अब राज्यपाल के पास मामला पहुंचा है, देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारियों के लिए।